अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाँ जी, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे मैश पोटैटो बना रही थी, आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे। पानी को अच्छी तरह ड्राई कर लेंगे और लकड़ी के चम्मच से ही मैंने इसको मैश करना शुरू कर दिया था। अब मैं इसको अच्छा सा मैश करके इसमें मेल्टेड बटर ऐड कर दूंगी। बटर मैंने लिया था 10 टू 12 टेबलस्पून के करीब, और इसमें जो दूध ऐड करना है वो भी आपने पहले से गर्म कर लेना है, और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके इसमें दूध जाएगा। और साथ साथ हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे और इसमें जाएगी काली मिर्च। मैश पोटैटो यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। नमक और काली मिर्च आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं बाद में। अब यहाँ पे मैंने ले लिए थे चिकन फिले, ये मैंने ऐसे ही बनवा लिए थे, लेकिन मैंने एक फिले को भी हाफ किया था, मैंने फुल नहीं रखा था। और कांटे की मदद से मैं इसमें होल्स कर लूँगी ताकि जब इसको मैरिनेट करें तो मसाला अच्छा सा उसमें रच बस जाए। इसकी मैरिनेशन के लिए मैंने इसमें लेमन डाला है, गार्लिक पेस्ट, नमक, काली मिर्च, सोया सॉस और ये कुटी हुई लाल मिर्च। इसमें मैं अपना सारा चिकन ऐड कर दूंगी और मैंने इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दिया था। इसमें मैंने अपना चिकन ऐड करना शुरू किया। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो तभी आप ऐड करें, तो फिर बहुत अच्छे से ग्रिल के निशान भी आते हैं इस पे और बड़ा खूबसूरत सा लगता है ये। क्योंकि प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने गार्लिक ब्रेड के लिए ले लिया था बटर, और इसको मैंने बहुत ज़्यादा मेल्ट नहीं किया, थोड़ा थोड़ा सा इसको गाढ़ा रहने दिया था। इसमें मैंने लहसुन पेस्ट ऐड किए, नमक, ओरिगैनो, क्योंकि बटर जो था वो मेरा अनसॉल्टेड था। अगर आपका सॉल्टेड है तो फिर आप उसमें नमक ना ऐड करें। और ये मैंने यहाँ पर लॉन्ग ब्रेड ले ली थी। क्योंकि अगर ये बैटर बहुत पतला होता तो फिर वो बिल्कुल अंदर जज्ब हो जाता है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा रखा था।
अब इस सब के ऊपर मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ। मोज़रेला चीज़ थी एडम्स की, वो मैंने क्रश कर ली थी और वही डाल रही हूँ। और अब ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा सबके ऑरिगेनो भी डाला। बेकिंग ट्रे में मैंने इनको रख लिए। ऑलमोस्ट 6 to 7 minutes में ये रेडी हो जाते हैं। अगर आपका ओवन अच्छा गर्म हुआ हुआ है, प्री हीट है। और यहाँ पे मैं अपने चिकन को भी देखती रहूँगी। ये मैंने 3 to 4 minutes के बाद इसको टर्न किया है। अब मेरे पास जो वेजिटेबल्स थी घर में, मैंने वही काट ली थी। मैं अब इसमें डालूंगी पैन में ऑलिव ऑयल, और इसमें मैं ऐड कर दूंगी कैरेट। इसको थोड़ा सा सॉफ्ट करने के लिए पहले कैरेट ऐड कर दूंगी। ऑनियन मैंने डाल दिया इसमें, हरी मिर्चें, और आप इसमें शिमला मिर्च, टमाटर और लहसुन, आप अपनी मर्जी की वेजिटेबल्स, ब्रोकली, बीन्स, कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास घर में यही वेजिटेबल्स थी फ़िलहाल, तो मैंने वही डाल दी। अब ऑलिव ऑयल मैंने शुरू में डाला था, बाद में मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया, काली मिर्च, और ओरिगेनो ऐड कर दिया। और स्पाइसी करने के लिए आप इसमें क्रश्ड चिली भी डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स, लेकिन वो मैंने बाकी चीज़ों में भी ऐड किया था ना चिली फ्लेक्स, फिर बहुत ज़्यादा वो स्पाइसी हो जाना था। और ये मेरी यहाँ पे सब चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।